हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पालक के पकोड़े। तो इसके लिए मैंने पालक को अच्छे से धो के ले लिए है इसके पट्टे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप जितना ग्राम फ्लोर बेसन, हाफ टेबल स्पून हमें लगेगा धनिया जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन एंड मिर्ची की पेस्ट ली है, 1/4 टेबल स्पून इनो लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने सूजी ली है, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, नमक, नींबू पानी एंड ऑयल लिया है। नमक आप अकॉर्डिंग योर टेस्ट ले सकते हो। एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप जितना बेसन, सूजी 1 टेबल स्पून जितनी, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, नमक अकॉर्डिंग योर टेस्ट, अदरक लहसुन एंड मिर्ची की पेस्ट। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल और इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे 1 नींबू, नींबू का पानी हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको खट्टा खाना पसंद है तो आप नींबू डाल सकते हो, नहीं तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड, इसमें हमें सूजी डाली है, सूजी थोड़े सा पानी लेती है तो 5 मिनट तक इसे रेस्ट करने लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और पानी डाल के इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। लास्ट में हम डालेंगे इनो, 1/4 टेबल स्पून जितना ही इनो मैंने डाला है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो ही डालो। इनो की जगह आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हो, सोडा खार जिसे बोलते हैं खाने का सोडा, वो भी ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी हम जो पट्टे धो के रखे हैं इसको इस तरह से बैटर में डुबोएंगे और उसको हम ऑयल में डीप फ्राई करते जाएंगे। इसी तरह से सारे पकोड़े हम तल लेंगे पानी ऑयल में। ऑयल हमें मीडियम हाई रखना है फ्रेंड्स। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे रखोगे तो हमारे पालक के पकोड़े जल जाएंगे, तो मीडियम हाई फ्लेम पे हमें गैस की लो को रखना है। इसी तरह से हम पकोड़े को तल लेंगे। आपको ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े खाने पसंद हो तो इसे आप ज़्यादा टाइम तक फ्राई कर सकते हो और क्रिस्पी हो तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो इसी तरह से हम सारे पकौड़े को डीप फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही हेल्दी है और गरम गरम पकोड़े चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। बारिश के मौसम में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। इसे हम टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर में निकल जाए। तो रेडी है हमारी गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े। तो इसे आप इस बारिश के मौसम में ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मेरे इस चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे और मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों का ख्याल रखिए और हैप्पी मॉनसून। बाय।